पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हिंसा की खौफनाक तस्वीरें आई हैं। मंगलवार को बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर हमला किया गया, साथ ही पथराव की भी खबरें हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उनके काफिले पर हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ विधायक अग्निमित्रा पॉल को चुनाव में उतारा है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी के लोगों ने मेरे सुरक्षा कर्मियों की बांस के डंडों से पिटाई की है। ममता बनर्जी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, बीजेपी आसनसोल से चुनाव जीत रही है। अपना वोट करवा रहे, करने का कोशिश कर रहे, नहीं कर सकेगा। हमारे ऊपर अटैक हो रहे, बोलेंगे जिनको बैठने नहीं दे रहे, और बोल रहे मीडिया नहीं जा सकेगा। क्यों? बता दें, पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट समेत चार विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष चुनाव के लिए सीआरपीएफ की 133 कंपनियां तैनात की गई हैं। चुनाव आयोग ने आसनसोल के करीब 2000 मतदान केंद्रों में से 680 और बालीगंज के सभी 300 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है।